नमस्कार, मैं राहुल कुमार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार न्यूज नेटवर्क। अभी हम बीदोपुर खंड के मथुरा पंचायत में, और हमारे साथ यहाँ के फैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं मथुरा पंचायत के, राजा कुमारी, जो कि अभी वर्तमान में इनके पिताजी फैक्स अध्यक्ष हैं, वो देत कर गए हैं, लेकिन अभी कार्य को संभाल रहे हैं राजा जी, और अभी वर्तमान में ये खुद खड़े हो रहे हैं। क्या कुछ समस्याएं इनके पंचायत में दिख रही है और क्या कुछ किसानों को हित के लिए ये सोचते हैं, हमसे हम बात करते हैं। सबसे पहले राजा जी, आपको लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क में आपका बहुत बहुत स्वागत है। जी धन्यवाद। सबसे आप पहले, आप युवा हैं, ठीक है ना, युवाओं की सोच के लिए आप क्या सोचते हैं? सोचना है कि आगे और अच्छे हों, सबको सम्मान मिले, सबसे पहला काम है सबको सम्मान मिले। आपके पिताजी फैक्स अध्यक्ष से, तो क्या लग रहा है कितने सदस्य को अभी तक आपने जोड़ा है? हमने पहले था 1200, हमने 300 जोड़ा नए सदस्य को। हमारे यहाँ कैंप भी लगा था, इसके माध्यम से बहुत सारे आवेदन आए, जितने आवेदन आए जो इच्छुक थे वो सबको जोड़ दिया गया। जी, जितने भी सदस्य आपसे जुड़े हैं, क्या लग रहा है वो सदस्य अभी खुश है, उसको लाभ होना चाहिए जो हो रहा है आपके यहाँ? हाँ, बिल्कुल खुश है सब, सब बिल्कुल खुश है, सब एक्टिव भी है सब, और अपना स्तर से सब कुछ सही है। बैठक जब आप लोग कर रहे हैं तो बैठक में क्या कुछ निकल करके आती है समस्या? बैठक में निकल के आती थी तो खाद वाला लाइसेंस के आती थी, तो पूर्व से जो 2009 में अध्यक्ष बने थे उसका कोई मैटर था, उसको हम लोगों ने ख़त्म करवा दिया है। अब आने वाला समय में हमको खाद के लाइसेंस निर्गत कराया जाएगा। अभी जो अभी वर्तमान में आपके यहाँ है, खाद का लाइसेंस अभी नहीं? नहीं, अभी नहीं। तो जनता को, अभी जो किसान है उसको कैसे आप खाद करवा रहे हैं? खाद हम लोग करते हैं कि कृषि समन्वयक या किसान सलाहकार से संपर्क करके, बगल के दुकानदार से, जे भी अथी बीओ से कंसल्ट करके, या जे भी सरकारी मूल्य है उस मूल्य पर, उचित रेट पर मिल रहा है या फिर ज़्यादा दामों पर दिया जा रहा है किसान? उचित मूल्य पर दिया जा रहा है। क्योंकि किसान आपके यहाँ शिकायत भी किया है क्या, मतलब ये जो आप बता रहे हैं उचित दाम पर लिया जा रहा है, किसी तरह का कोई शिकायत किया है तो उसका निदान किया गया है। पदाधिकारियों का सहयोग रहता है? हाँ, पदाधिकारियों के सहयोग से ही निदान हो रहा है। बैठक में बोला जाता है आपके द्वारा कि हमारे यहाँ ऐसी ऐसी समस्याएं हैं? हाँ, जो समस्या हम लोग को जनता बताता है वही समस्या हम लोग रखते हैं। तो चुनाव की तैयारी कैसी है, क्षेत्र में घूम रहे हैं तो क्या कुछ दिख रहा है माहौल आपका? माहौल ठीक है, माहौल कहीं गड़बड़ नहीं है। युवा हैं आप, क्या कुछ मुद्दा लेकर क्षेत्र में आप जा रहे हैं? हम लोग हैं कि अभी अब अधिप्राप्ति के लिए भी कह रहे हैं लोग को कि धान बिचौलिया के नहीं बेचिएगा, आप लोग अपने पैक्स को ही बेचिए, उसमें है जो बिचौलिया में है जो पैसा ज़्यादा लेता है, पैसा कम देता है। और धान में भी सुने हैं कि रेट अच्छा आया है, 2300 रुपये कुंटल दे रहा, यही सब है। क्या संदेश देना चाह रहे हैं इस चुनाव के बीच में? चुनाव के बीच में क्या संदेश, सबको ठीक है, सब नहीं कुछ कहना चाह रहे हैं जो जिससे कि पंचायत में हित के लिए हो, किसानों के हित के लिए हो? किसानों के हित में तो सब कुछ ठीक है, आगे भी रहेगा। चलिए, मथुरा पंचायत के युवा फैक्स अध्यक्ष प्रत्याशी हैं राजा कुमार जी, जिन्होंने अपने पंचायत के विकास को लेकर के कई सारी योजनाओं पे बात किया है। कैमरा पर्सन अंकित के साथ मैं राहुल कुमार, लाइव बिहार न्यूज़ नेटवर्क, वैशाली।